गुना जिले में बुधवार को हुए दर्दनाक बस अग्निकांड को लेकर प्रदेश भर में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद रतलाम में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और बसों के फिटनेस पेपर सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच की गयी। इस दौरान 60 से ज्यादा बस के पेपर देखे गए हैं। जिन बसों के कागज पूरे नहीं मिले उनको जब्त कर चालानी कार्यवाही की गयी। सर, आज आपके द्वारा और परिवहन विभाग द्वारा एक चेकिंग की जा रही है जिसमें बसों को लेकर भी कुछ कार्रवाई की गई है। सर, गुना में जो हादसा हुआ है उसको जो है हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसको लेकर हम लोग सघन अभियान जो है आपके रतलाम जिले में और तहसील स्तर में हम लोग चला रहे हैं। आउटर रूट पर जहाँ पे बसों का आवागमन होता है उसके हम लोग RTO की संयुक्त टीम को लेकर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने 60 बसों को विभिन्न मार्गों पे चेक किया है और जो भी कमी बेसी निकली है उसको लेकर हम लोग बिल्कुल सतर्क सजग हैं और उसको कार्रवाई कर रहे हैं। हम RTO चूँकि पोर्टल पे जो इनके द्वारा चलानी टैक्स भर दिया जाता है या कोई भी दिक्कत होती तो RTO हमारे पास साथ है। वो कभी बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए हमारे पास पूरी टीम लगी हुई है, तो हम लोग इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 60 बस को चेक कर लिया। सर, कुछ बसों में परमिट भी नहीं मिला है, कुछ बसों के कागज खत्म है, तो उन बसों के लिए कुछ क्या कार्रवाई? सर, मैं हम लोग कहें यहाँ पे भी चालान उसका सबमिट करने का प्रावधान है। अगर यहाँ नहीं भरते हैं तो हम इसको फिर हम जब्त करके भिजवा रहे हैं और जो भी समन शुल्क अगर वो भर देंगे तो फिर हम सबसे उसके अगली कार्रवाई करेंगे।